तो हेलो फ्रेंड्स, और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड की, जो मैंने अमेजोन से बाय किया है। ये मैंने अमेजोन से 1000 रुपये में बाय किया है, और इसके पीछे इसके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लो और DPI के बटन और LED 6 कलर LED के दिए गए हैं बोथ माउस एंड कीबोर्ड में, और ये रहा जेब्रोनिक्स का लोगो। चलिए इसको सीधा करते हैं और चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, खोलते हैं इसके पैकेट को। चलिए, बहुत सही पैकिंग की है इन्होंने, नो डैमेज, किसी पैकेट को कुछ डैमेज नहीं होगा। चलिए, ये तो खुल गया है हमारा पैकेट, और ये रहे अमेजोन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस। चलिए इसे साइड में रखते हैं, और ये रहा हमारा कीबोर्ड। इस कीबोर्ड में नीचे की तरफ ये मेटल की प्लेटिंग दी गई है, पीछे प्लास्टिक का है, और इसके ये बटन्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, प्रेस करने में कोई भी तरह की खटखट की नॉइस नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं इसकी केबल को, केबल की लेंथ भी बहुत लॉन्ग है, तो इसे आप दूर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये रहा हमारा माउस, ये माउस भी गेमिंग माउस है, और इसमें 6 DPI और 6 LED बटन्स हैं जो कि, और पीछे है मेटल की प्लेटिंग, और ये बटन प्रेस में भी नो नॉइस है, आवाज़ नहीं करेगा, सॉफ्ट है। और ये रही इसकी केबल, केबल की लेंथ बहुत लॉन्ग है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं, और ये रहा, अब हमने पैकेट से बाहर निकाल लिया इसे, तो ये रहा हमारा कीबोर्ड जो कि इसमें मेटल की प्लेटिंग है, पर आपको इसको चलाने में, इससे शॉक प्रूफ है, आपको करंट नहीं लगेगा इससे। और चलिए बात करते हैं इसके पीछे की, तो ये पीछे प्लास्टिक का है, और नीचे प्लेटिंग दी गई है, और यहाँ जेब्रोनिक्स का लोगो है। चलिए इसे साइड में रखते हैं, और इसकी वायर देखते हैं, वायर भी बहुत ठीक है, बट आते हैं माउस के पास। ये गेमिंग माउस है, इसके पीछे भी आपको प्लेटिंग दी गई है, और इसे इसके ये बटन प्रेस करने बहुत ही सॉफ्ट हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप मेरे हिसाब से इस गेमिंग माउस और कीबोर्ड को ख़रीदना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है आपके लिए।